मंत्री आते हैं यहाँ, एक बात कहते हैं कि भाई इनका अध्यक्ष भी कि हमारी तो सरकार है, एक सीट से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये तो भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसा बात छोटा मेज रखा नहीं आ गया, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, एक हलके का सवाल नहीं है ये पूरी सरकार के खिलाफ रेफरेंडम है। और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, ये जो बड़ौदा का चुनाव है ये राजनीति हरियाणा की राजनीति का दिशा तय करेगा और जितने नतीजा आएगा इसका और हमारी जीत होगी। उसके बाद चंडीगढ़ में बैठे इस सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेगा बड़ौदे का उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ये इस इलाके की सब इतिहास रहा है, उस सरकार के जिसमें केंद्र में भी सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार थी, अकेली महम ने उस सरकार को चत्ता कर दिया था। ये आनंद सिंह गांगी बैठे, जैसे ही वो भी सत्ता में थे, गरुड़ थे, और एक हलके के लोगों ने सरकार को चत्ता कर दिया। तो बड़ौदा का भी नतीजा यही काम करने जा रहा है। और इसी वास्ते मैं कह रहा हूं, मैं दरखास्त कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले कह चुका था कि मैं भारत है तो मैं तैयार हूं। मुख्यमंत्री जी अपना पर्चा भर दे, मैं अपना पर्चा भर दूंगा। फैसला करने दो बड़ौदे के लोगों। और जो ये आपके जो ये कृषि के जो कानून बनाए हैं, इनको हरियाणा में लागू नहीं होने दूंगा। हाँ, एक बात मैं कह के जा रहा हूं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं कि बड़ौदा चुनाव जीतने के बाद किसान के लिए इन कानूनों के विरोध में पूरे हरियाणा में संघर्ष करूंगा, पूरे हरियाणा में मैं जाऊंगा, पूरे हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। बड़ौदा से जाऊंगा, बड़ौदा जीतने के रिजल्ट के बाद बड़ौदा से शुरू करूंगा पूरे हरियाणा की यात्रा, ताकि ये जो है जो कानून जो किसान को कमजोर करने वाला है उसको हम लागू ना हो। आज बेरोजगारी में हरियाणा सबसे नंबर वन, कानून व्यवस्था में कहां प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज कहां पहुंच गया? आज कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई? 6 साल के बाद आते हैं हम यहाँ IIMT बना देंगे। यार IIMT बनी बनाई थी चौड़ी लाट में भाई, वहां क्यों खत्म कर दी भाई? प्रकौते बना रहे थे क्यों बना रहे? बच्चे तो मारे लग रहे थे सिर्फ आपको सबज बाग दिखाने के लिए। और जो उनका गठबंधन है नापाक गठबंधन, उसको मैं कहूंगा, क्योंकि वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। इन्होंने कहा था कि हम भाजपा का सपोर्ट नहीं करेंगे, आज उसके समर्थन में कैसे बैठे भाई? आज उनसे लोगों से पूछो तो आपके सामने है। यहाँ के विकास और जहां तक सवाल है, मेरे पास लंबी फहरिस्त है। मैं चुनाव आएगा तो कितनी PSC बनी है, कितना बनाया, वैसे बताने की जरूरत नहीं, हर बच्चे को मालूम है इस इलाके में कितना विकास हुआ है, सबको मालूम, तो वो भी मैं जारी कर दूंगा। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण जो ये यूनिवर्सिटी दिखती नहीं किसी ने महिला, तो यहाँ कुछ नहीं करा। ये रेलवे लाइन नहीं दिखती भाई, वहां का हॉस्पिटल नहीं दिखता, क्या क्या चीज नहीं दिखती? और बहुत सारे काम है। और अब किसानों के यहां से पूछो, 10 साल में कभी पानी की कमी नहीं होने दी हमने, आज पानी के लिए तरस गया। बिजली की कभी कमी नहीं होने दी,
आज बिजली का तमाशा बना हुआ है। आज कभी कोई सी यूनिट नहीं चलती, कोई सी यूनिट नहीं चलती, तो ये ना ये किसान ये सरकार ना किसान की है। हमें खेत मजदूर किसान और मजदूर खेत में किसी की मृत्यु हो जाए, सांप काट ले, कीड़ा काट ले, हार्ट अटैक हो जाए, 5 लाख रुपए रखे थे, कितने आदमी को दिए भाई? 50,000 का हमने भैंस का बीमा कराया था, कितने आदमी को दे रहे हैं आज? फसल बीमा करा रहे हैं, उसमें लूट बचा रखी है, किसान को नहीं मिलता फसल बीमा में जो है, सिर्फ मोटे जो मालिक हैं बीमा कंपनियों के उनको ही लाभ पहुंच रहा है। तो जन विरोधी सरकार है, जन हित का कोई फैसला नहीं। घोषणाएं बड़ी बड़ी हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं, जमीन की नीलामी मैंने बंद कराई, कोई नहीं कर सकता था। और किसान को शॉर्ट टर्म लोन जिसको कहते हैं फसली ऋण, 11% ब्याज था, 11% हमने घटाया, पूरे देश में 4% कराया मेरी रिपोर्ट से, और हरियाणा में 0% दिया, जो फसली ऋण अपने समय पे देता है। तो इस प्रकार से हर वर्ग को, गरीब आदमी को 100-100 गज के 2,82,000 प्लॉट दिए और 90-90,000 मकान बनाने का दिया। इन्हें एक बता दो किसी को प्लॉट दिया, जो हमारे इंस्टॉलमेंट गई थी उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं गई। गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप का हमने प्रावधान किया, वहां घोटाला, खिलाड़ी, एक खेल नीति बनाई, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम गया, और आज बेचारे धक्के खा रहे हैं। ये जो योगेश्वर दत्त जी है, इन्होंने जब अच्छा काम किया तो हमने भी इनको DSP बनाया, खिलाड़ी हैं, उनके सम्मान में किया। इन खिलाड़ियों का खेल होता है राजनीति में। वैसे मेरा अजीज है वो, ये बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं उसके ही उसमें इसमें कह रहा हूँ, अरे अच्छी नौकरी लग गया था। ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी पंजाब से, हरियाणा में भी आएंगे, लेकिन गृह मंत्री का बयान है इनको आने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर रहे हैं पंजाब से हरियाणा में आएंगे, आज वो गए हुए हैं वहाँ पर, राहुल गांधी और प्रियंका जी और साथ दीपेंद्र वहाँ गए हुए हैं हाथरस, और फिर यहाँ आएंगे। उनकी मानते नहीं है, कोई मान रहा है? उन्होंने तो शराब घोटाले में SIT बनाई थी, अनाउंस किया था, वो SCT कैसे हो गई? मेरे मित्र हैं वो, SIT की SCT होगी। क्या मैंने विजिलेंस की ऑर्डर कर दिया, फिर पता लगा कि वो तो हुआ नहीं, लाठी चार्ज नहीं हुआ। खैर मैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं कोई उनके बारे में नहीं कहता, क्योंकि जिस भी व्यक्ति की राजनीतिक सोच नहीं होती है उसका मैं जवाब नहीं दिया करूंगा। सत्ता पक्ष की तरफ से और आम आदमी की तरफ से बात ये आती है कि डिजाइन तो कांग्रेस ने किया, क्या अध्यादेश दिखाया था, मैं दे रहा हूँ ना, 2007 का काउंटर, जब हमने MSP आज, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि भाई चौथा कानून ले आए, किसान को MSP से कम ना दे, उसको सजा दे, मैंने बना रखा है, अभी आपको कॉपी मिल जाएगी, 2007 में मैंने किया, तो कहाँ गुंजाइश रहेगी? वो आज भी लागू है, आज भी लागू है, किसान के हित में कोई कानून लेके आए, मेरे को कोई इतराज नहीं। जो ये पार्ट कह रहे हैं एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, कोई इतराज नहीं, लेकिन किसान की लूट ना हो, उसको MSP से कम ना मिले, मेरा ये भी वो जो मैं लेके आया हूँ अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो लागू करते हैं, मेरे को मंजूर है। जब ये मुद्दे बड़ौदा के विकास का है, मैं तो एक विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। किसान आंदोलन को बीजेपी
किसान के आंदोलन को बीजेपी कांग्रेस के आंदोलन बताती है। ये तो कुछ भी कह देंगे भाई, अब तू है पत्रकार है, पत्रकार नहीं तो बंद रहे करेगा, तू करेगा कुछ भी, कुछ भी कह सकते। बुढ़ा साहब, प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि प्रियंका और राहुल गांधी जब भी घर से निकलते हैं तो तेल की टैंकी लेके निकलते हैं है? प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं अनिल विज जी, वो कहते हैं कि वो मैं कह चुका ना आपसे, मैं क्वेश्चन की बात नहीं मैं कह चुका, जिस व्यक्ति की राजनीतिक सोच नहीं है उसके बारे में जवाब नहीं दिया करता, खत्म हो गया था। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं उसका जवाब दूंगा, और कोई कुछ कह रहा है उसका जवाब दूंगा। आईएमटी घोषित की गई है, रोहतास हल्का में आईएमटी घोषित की गई है, इसमें एक्वायरमेंट ना करके ई भूमि पोर्टल पे जमीन मांगी गई है, उसके ऊपर अरे वो लाड जौली भी क्यों खत्म करी, लाड जौली खत्म कर दी, खरकौदा में कुछ हुआ नहीं, ये क्या, ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। बहुत समय है, समय तो हुआ बहुत, लोग मन बनाए बैठे हैं, लोगों को मालूम है किसको वोट देनी है। भाजपा के बाद में कांग्रेस कैंडिडेट कम्प्लीट करेगी क्या? भाजपा के बाद में कांग्रेस उम्मीदवार देगी क्या? भाजपा के उम्मीदवार के बाद आप नहीं देगी क्या? भाई सही समय पर सही फैसला लेंगे, कोई बात नहीं। क्या होगा? बन जाएगा, एक दिन में संगठन नहीं बनता, टाइम लगता है, समय लगता है। अभी कोरोना नहीं होता तो शायद बन जाता, फिर कोरोना काल आप मास्क तो लगाए हुए नहीं हो। ये आपके सामने जो बैठे हैं ये संगठन के आदमी बैठे हैं, ये कहीं इम्पोर्टेंट थोड़े हैं, संगठन के आदमी है ये, संगठन और क्या होता है, व्यक्तियों का है। वहाँ से देखना शुरू करते सारे, कोई महिला कांग्रेस है, कोई कोई विधायक है, कोई कहीं के है, कोई कहीं के, सब संगठन है। पार्टी में आपकी जिम्मेवारी देने के लिए आपकी कोई तैयारी है? पार्टी मेरी जिम्मेदारी तो जिम्मेवारी है, मैं नेता विपक्ष हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि अब की बार तो बरोदा कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, वो अवाई तरीके से लाकर यहाँ उतारा जा सकता है, यानी दूसरी पार्टियों से हार किया जा सकता है। जो यहाँ का प्रत्याशी होगा बात में दूसरी पार्टी से कोई इंग्लैंड से आ जाएगा, अमेरिका से आएगा, कहाँ से आएगा? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बरोदा हल्का में चुनाव प्रचार में एंट्री मारी है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने यहाँ बरोदा हल्का में चुनाव प्रचार में एंट्री मारी है। उनका टिप्पणी थी कि अभी एक गुलाम जो है सेंटर से निकल चुका है, दूसरे की तैयारी क्या काम करता है, व्यक्तिगत बातें मैं नहीं करता, इसकी जो जैसे जो की करता है, मैं अपनी बात करता हूँ। काफी मंत्री एजेंडा है चुनाव की, बताए हैं आप, हमारी सारे साथी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सब लगेंगे ड्यूटी, कोई नई बात तो नहीं है, चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ेंगे। हुड्डा साहब, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ विरोध आए थे, उन्होंने कहा कांग्रेस का अगर विधायक बन भी गया तो केवल 4 साल वाणी सेवा कर सकता है, तो मैं बता चुका भाई, वो तो ये भी कह गए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा, वो बार ना तो कहेगा, वो ये कहेगा कि तब मेरे मैं थारा है, इस नाम की वोट मांगेगा, तो भाई मैं के लाया जोड़ा हूँ, उससे पूछा जाता लाया जोड़ा थोड़ा हूँ, तो यूं ही इनका, अरे मेरे तो नहीं बात है। और यहाँ का रिजल्ट जो है वो प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलेगा, टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं, जिस तरह बहम ने बदल दी थी ना पूरे हरियाणा की, इस तरह बड़ौदा बदलेगा। अच्छा जी, अपना क्या रहेगा? सारा होमवर्क करके किताब बंद है मेरे पास। एक क्षेत्र में चर्चा है कि कपूर सिंह नरवाल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? चर्चाएं होती हैं,
राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं होती है, कोई आए कोई जाए मालूम क्या, चर्चा है, चर्चा होती, चर्चा तो और भी बहुत चल रही है। चर्चा ये है सर, आपसे उनकी मुलाकात हुई है? मेरी मुलाकात तो सबसे होती है, तो खट्टर की भी हुई मुलाकात, मेरी मुलाकात मेरी मुलाकात अनिल विज से भी होती रहती है, इससे भी होती है। मुलाकात पे इतनी दूर की देर होती, टिकट का बता दीजिए सर, कब तक होना चाहिए? समय पर, अभी बहुत समय है, ठीक समय पर ठीक कर सर। कांग्रेस का होगा, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा। मैं थारी बात में वहाँ ना हूँ, ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं रह रहे थारे, खत्म।